बारिशें बरसती हैं तो बिजली का निजाम लोदरा के शहरियों से रूठ गया। 24 घंटों बाद भी 75% शहर की बिजली बहाल न हो सकी। शाम ढलते ही शहर के मुतादद इलाके अंधेर नगरी में तब्दील। बिजली न होने से पीने के पानी की किल्लत, निजाम जिंदगी मुतासिर, शहरी परेशान। मियांवाली में बारिश ने पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग का पोल खोल दिया। पहाड़ों से आने वाले आबी रेले ने तबाही मचा दी। कटक बेल्ट चचाली के मकाम पर धुबियानी पानी जापी डैम के पाइप साथ बहाले किया। साफ पानी के प्रोजेक्ट और रिहायशी आबादियों को शदीद नुकसान पहुंचने का खदशा। पानी की बंदिश बारे कोई इकदाम न किए जा सके। पोर्ट अब्बास हाकड़ा कैनाल के पानी में इजाफा। मरूद के चक 322 और 328 के करीब नहर में 25 फुट चौड़ा शुगाफ पड़ गया। नकेबी इलाके जेरे आब आ गए। नशेबी इलाके जेरे आब आने के बाद यहां पानी गंदम की फसलों में दाखिल। काश्तकार परेशान। अपनी मदद आब के तहत शगाफ पुर करने में मशगूल। पूर्वी पंजाब में शदीद बारिश और जालाबारी। जिले इंतजामिया के दावों की कलाई खुल गई। मुल्तान और सरगोधा के नशेबी इलाके जेरे आब। नवाबपुर मुल्तान की सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। सरगोधा सेशन रोड कचहरी बाजार समेत दीकर इलाकों में बारिश का पानी तहाल न निकाला जा सका। बहावलपुर सब्जी मंडी रोड सिवरेज पानी से भर गया। शहरियों का आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा। बारिशों से नकासी आग के मसाइल फौरी हल करने का आज़्म। डिप्टी कमिश्नर रहीम यार खान का नकासी आग का जायजा लेने के लिए शहर का दौरा। अब्बासिया दाऊद अंडरपास ट्रस्ट कॉलोनी समेत दीगर इलाकों का मुआयना किया। गफलत बरतने पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर और सेंट्रल इंस्पेक्टर तारिक लोधी मुअत्तल। जनूबी पंजाब समेत सूबा भर में बिजनेस और रिहायश एक ही जगह होगी मुयसर। वजीर आला पंजाब की सदर वीजे खान चैंबर ऑफ कॉमर्स जलालुद्दीन रूमी से मुलाकात। कॉटेज बिजनेस हाउसिंग नजरिया मुतारिफ कराने की नवी दे दी। जनूबी पंजाब में सनअती फ्लोक पर तबादला ख्याल। कहा कि कायद आजम बिजनेस पार्क मॉडल स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाया जा रहा है। वही सुलेमान में भी अब जेबें वहां फराटे भरेंगी और डेरा गाजी खान में भी चीफ वैली का मैदान सजेगा। चेयरमैन लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी सरदार अहमद अली रोशक ने वजीर आला पंजाब को तजवीज पेश कर दी। 100 किलोमीटर का जी पेपल ट्रैक पहले से तैयार। पहले मकामी ड्राइवर्स को शमूलियत की तजवीज। तजावजात माफिया को शहरी ओलिया से उखाड़ फेंकने का आज़्म। जिले इंतजामिया का हुसैन आगाही और मुमताज सबात में ऑपरेशन। 3 ट्रक सामान जब्त। मजामत पर 2 अफराद गिरफ्तार। 3 मोटरसाइकिल थाने बंद कर दी। और ऑपरेशन में गफलत बरतने पर मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन एनफोर्समेंट इंचार्ज मुमताज सबात मुअत्तल। तजावजात हटाने के लिए 24 घंटों की डेडलाइन दे दी। ब्रॉयलर गोश्त को महंगाई का उड़न खटोला ले उड़ा। ब्रॉयलर गोश्त की कीमत में 10 रुपए प्रति किलो का इजाफा। चिकन 360 रुपए प्रति किलो तक फरोख्त होने लगा। शहरी परेशान। स्कूल टाइम मोबाइल इस्तेमाल करने वाले असातिज़ा खबरदार होशियार। रहीम यार खान में क्लास में फोन के इस्तेमाल पर महकमाना कार्रवाई का फैसला। डीईओ सेकेंडरी कासराज साहब ने वाजे कर दिया। कहा स्कूल में असातिज़ा अपने मोबाइल फोन स्कूल हेड के पास जमा कराया करेंगे। एहतियात कोरोना से बचने का वाहिद इलाज। सरगोधा में कोरोना एक और जिंदगी निकल गया। मुल्तान में 35 और रहीम यार खान में 17 अफराद कोरोना का शिकार। बहावलपुर में 14, मुजफ्फरगढ़ 10 और मियांवाली में 8 मरीज रिपोर्ट। रहीम यार खान के डॉक्टर बिलाल और दही हेल्थ मरकज मियांवाली क्रोएशिया का डिस्पेंसर भी कोरोना का शिकार। गवर्नमेंट के हाई स्कूल फतेहपुर आरआईएम की एक तालिबा भी पॉजिटिव। मुल्तान भर में कोरोना एसओपीज की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन। 24 घंटों में 12 दुकानें और 1 रेस्टोरेंट सीप। खिलाफ वर्जी करने वालों को 1,51,000 जुर्माना। सात दिनों में 2 दिन कारोबार बंद करना सरासर जुल्म है। सरगोधा के ताजरों ने दो रोजा लॉकडाउन की मुखालफत कर दी। सदर जेल रोड नासिर शराजी की दुकानें सुबह 8 बजे खोलने की अपील। साबिक सदर मुल्तान चैंबर ने 10 बजे तक दुकानें खुली रहने का मुतालबा जायज करार दे दिया। यौम पाकिस्तान राह मंजिल का पहला निशान आगाज दास्तान।
ڈپٹی کمشنر آفس ملتان میں پرچم کشائی کی تقریب، رسکیو دستے کی سلامی، ضلعی افسران اور اہم شخصیات کی شرکت۔ رحیم گڑھ خان میں ڈپٹی کمشنر پرچم لہرایا۔ مظفر گڑھ میں پرچم کشائی کی تقریب میں ڈپٹی کمشنر اور ڈی پی او کی شرکت۔ یوم قرارداد پاکستان بہاول پور، جام پور، بہاول نگر، یسمان، خانوال، میاں چنو، لیا سمیت جنوبی پنجاب بھر میں پرچم کشائی کی تقریب۔ پولیس اور ریسکیو کے چاقو چوبند دستوں کی سلامی۔ کیک کاٹا اور کورونا سے نجات کے لیے خصوصی دعائیں۔ اسکولز میں طلبہ کی محب وطن پرفارمنس۔ ضلعی پولیس افسران اور شرکاء نے دل کھول کر داد دی۔ سب کو مل کر ملک و قوم کی ترقی کے لیے محنت کرنا چاہیے۔ یوم پاکستان پر رہنما پیپلز پارٹی مخدوم سید احمد محمود کا ٹویٹ۔ یوم پاکستان پر مسلم لیگ نون ملتان کی تقریب، لیگی کارکنان اور رہنماؤں نے کیک کاٹا۔ ضلعی رہنماؤں کا پاکستان کو عظیم مملکت بنانے کا عزم۔ سرگودا میں ویٹ تھریشر ایسوسی ایشن نے کیک کاٹا۔ کوٹ چھٹا میں سنی تحریک کے زیر اہتمام ریلی۔ ادھر سنی تحریک کی ریلی میں نعروں سے رحیم یار خان گونج اٹھا۔ وومین یونیورسٹی ملتان میں یوم پاکستان پر آن لائن مذاکرہ۔ طالبات کی بنائی گئی تصاویری ڈاکومنٹری کو شرکاء نے خوب داد دی۔ 23 مارچ قرارداد پاکستان کی منظوری کا دن۔ ملتان ریلوے اسٹیشن سبز ہلالی جھنڈیوں سے سجا دیا گیا۔ پرچم اور غباروں کی سجاوٹ دیکھ کر بچے خوشی سے نہال۔ کہا کہ پاکستان ہمارا ملک ہے اور ہمیں پاکستان سے بہت پیار ہے۔